ادع الى سبيل ربك بالحكمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. الله معذ السامعين الكرام. हम हज़रत नबी करीम सल्ला वबारक वसल तस्लीमन कसरा कसर के वाकिए मेराज को समात फरमा रहे थे गुज्त बयान में हमने आपसे अर्ज़ किया था कि रसूल मकबूल सल्ह वसम हज़रत हानी रज़ील के मकान से हतीम और हतीम से जमज़म के कुएँ पर तशरीफ़ ले गए जहाँ वाक़ सदर पेश आया फिर वहाँ से बुर्राक पर रवाना होकर आप मदीनात अलमनवरा और फिर वहाँ से मदीन और फिर वहाँ से वादी सीना और फिर बैतलह यरोशलम और फिर वहाँ से बैतुलमुद्दस तशरीफ़ ले गए गर्जीशान के साथ आप बैतुलमुद्दस पहुँचे बुराग से नीचे तशरीफ़ लाए और फिर आपने बुराग को चट्टान के एक हल्के से बांध दिया आप आपलात सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये वो हल्का था जिससे अम्बियाई के राम आलिम सलात व तस्लीम अपनी सवारियों को बांधा करते थे फिर आका बैतुलु़दस में उस मकाम पर पहुँचे जिसको बाब मोहम्मद कहते हैं यहाँ से आप और हज़रत जब्राईल आलतम दोनों मस्जिद के सहन में पहुँचे और फिर आप आपतुलमुद्दस में दाखिल हुए आपकी तशरीफ़ आवरी की तकरीब में पहले ही से हज़रत अम्बिया आलम्सत तस्लीम इस्तबाल के लिए आपके मंतजर थे आपने मस्जिद अकसा में दाखिल होकर दो रखात तहतलमस्जिद अदा फरमाई फिर एक मौजिन ने अजान दी इसके बाद तकबीर कही गई अब सब के सब मुंतज़िर थे कि नमाज की इमामत आज कौन करेगा नमाज की इमामत आज कौन फरमाएगा यहाँ अम्बियात वसलाम के साथ बाज़ फरिश्ते भी आज मुक्तदी थे हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब्रैल अमीन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे इमामत के लिए आगे बढ़ाया मैंने सबको नमाज़ पढ़ाई अल्लाह ताला ने यह हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियादत और इमामत का हिस्सी नमूना भी दिखला दिया नमाज से फ़रागत के बाद हत जब्रैल अमीन आ सलात वसलाम ने अर्ज किया या रसूल्ला जितने अम्बिया कराम आलिम सलामाम इस दुनिया में मबूस किए गए हैं आज सब ने आपके इब्तः में नमाज़ अदा फरमाई है फिर तमाम अम्बिया आलिम सलामाम की अरवाह से आपने मुलाकात फरमाई और सब ने आपकी की आमद पर अल्लाह ताली की हमदसना बयान फरमाई बैतलमक़दस से फरागत पर अब आपका आसमानी सफ़र शुरू हुआ जिसको मराज कहते हैं बाद रिवायतों के मुताबिक बुराक ही से आपने आसमानी सफ़र तय फरमाया और बाद रिवायात से मालूम होता है कि जन्नतुल फिरदौस से एक जमरद और जबरजत की सीढ़ी लाई गई जो इंतहाई खूबसूरत थी मुमकिन है कि बुराक पर सवार होकर सीढ़ी से सफ़र फरमाया हो यहाँ तक कि आप आसमानों के दरवाज़े पर पहुँचे पहले आसमान के मुहाफिज फरिश्ते का नाम इस्माइल है इस फरिश्ते के मातहत बारह हज़ार फरिश्ते हैं इन बारह हज़ार में से हर एक के मातहत बारह हज़ार फरिश्ते हैं जब सरकार इमाम्बिया महमदर रसूल सल्ह वसलम आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया गया पहले आसमान के मुहाफ फ़रिश्ते ने पूछा क़ी मनहाज़ा उसने पूछा कौन है हजरत जब्रैल्लम ने अर्ज किया जब्रैल जिस पर उस मुहाफिज फ़रिश्ते ने पूछा वमम्म और आपके साथ कौन है हत जब्राईल आल सलासलाम ने अर्ज किया खाला महमद सल्हु वस जब्रैल आलम ने फरमाया कि मेरे साथ हज़रत महमद सल्ह वसम है जिस पर उस फरिश्ते ने पूछा वक्त उर्सलाई क्या आपको बुलाया गया है हत जब रही सलासलम ने अर्ज़ फ़रमाया नाम हाँ तो उस फरिश्ते ने अर्ज किया मरहबम भी मरहबा खुश आमदीद आपको और आसमानों का दरवाज़ा खोल दिया गया हज़रत रसूल करीम सल्लाम इरसात फरमाते हैं कि मैं पहले आसमान पर दाखिल हुआ तो वहाँ मेरी मुलाकात हज़रत आदम आसलातम से हुई मैंने उनको सलाम किया उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा मरहबम بالابن الصالح साल الصالح. फिर हज़रत जब्रैल आलात वसलाम आप लेकर दूसरे आसमान पर पहुँचे यहाँ आपलात वाम के मुलाकात हज़रत यही और हज़रतलाम से हुई आपलातु वाम ने इन दोनों को सलाम अर्ज़ फ़रमाया जिस पर हज़रत लहिया और हज़रत ईसा हज़रतम ने सलाम का जवाब इनायत फरमाया और अर्ज़ फरमाया मरहबम बिल्ख़ी साल व नबी आप तीसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए जहाँ आपकी मुलाकात हज़रत यूसफ़लात वाम से हुई यूसुफ़ यूसुफ़ल को सलाम फ़रमाया यूसुफ़ यूसफ़्लम ने सलाम का जवाब मरहमत फरमाया और आपको को मरहबा कहा आप इर्शाद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि यूसुफ़ को हुसन का एक बड़ा हिस्सा अता किया गया है अलातवस्लीम फिर आप चौथे आसमान पर तशरीफ़ ले गए जहाँ आपकी मुलाकात हज़रत इदरीस सलाम से हुई पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून आलाम से मुलाकात हुई छठे आसमान पर हज़रत मूसा आलत से मुलाकात हुई इसी तरह सातवें आसमान पर इब्राहीम आसलातम से मुलाकात हुई एक रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम आलम मामूर से टेक लगाए बैठे थे और आप बड़े हसीन थे यह बैतलममामूर सातवें आसमान पर आसमानी काबा है जो काबतुल्ला के बिल्कुल ऊपर सीध में है बैतुल मामूर का फरिश्ते तवाफ़ करते हैं बाद रिवायतों में है कि रोज़ाना सत्तर हज़ार फरिश्ते मामूर का तवाफ़ करते हैं और जो तवाफ़ एक मरतबा कर लेता है दोबारा उसकी बारी फिर कभी नहीं आती हजरत रसूल करीम सल्हस की मुलाकात हजर सैदना इब्राहीम सलातम से हुई तो सैदना इब्राहीम सलातम ने आपकी मारफ़त उम्मत को सलाम पहुँचाया हज इब्राहीम आल सलासम ने इशात फरमाया कि या रसूल एकरा उम्मत तक मन सलाम आप अपनी उम्म को मेरा सलाम पहुँचा दे और यह भी पैगाम पहुँचा दें कि जन्नत की मिट्टी नहायत आमदा और पाकदा है और जन्नत का पानी बहुत मीठा है और इसके पौधे और दरख्त अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला अकबर है। हैं हज़रत नबी करीम अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं बुखारी शरीफ़ की रिवायत है कि फिर मुझे मुंतहा ले जाया गया मुंतहा सातवें आसमान पर एक बेरी का दरख्त है रिवायतों में आता है कि वह ऐसा दरख्त है जिसके साए में सवार आदमी सत्तर साल तक चलता रहे तब भी वो उसके साए को ख़त्म न कर पाए ज़मीन से बंदों के आमाल जो ऊपर जाते हैं वो सिदरा पर जाकर रुक जाते हैं और वहाँ से फिर वो ऊपर उठा लिए जाते हैं और तकवीनी निज़ाम के अहकाम जो ऊपर से आते हैं वो पहले सिदरा पर उतरते हैं फिर वहाँ से नीचे आलम दुनिया में लाए जाते हैं आपलात सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मनतहा के बेर इतने बड़े थे जैसे हिजर के मटके ये हिजर एक जगह का नाम है और इशात फरमाए इसके पत्ते ऐसे थे जैसे हाथी के कान जब आप वहाँ पहुँचे तो हजरत जबरलाम नर्द क्या अल्लाह के हबीब सल्ला वसलम मुंतहा है आप फरमाते हैं कि मैंने वहाँ अजीब व वह गरीब मंजर देखा बड़ा अजीब मंजर था क़ुरान करीम ने उसे इशारों में बयान फ़रमाया इज यक्षश सिदरा तमाह यकशाह यहाँ का मंजर बड़ा खुशनुमा और रंग बिरंगा मालूम हो रहा था मुस्लिम शरीफ में है कि वो सोने के परवाने थे गोया एक रिवायत में है कि वो सोने की टिड्डियाँ थीं एक रिवायत में है कि वो सब फ़रिश्ते थे गोया फ़रिश्तों ने सिदरा को ढाँपा हुआ था बाज मुफसरी इशात फरमाते हैं कि हक्ता शाहू के अनोार व तजलियात उस दरख्त पर छा रहे थे और फरिश्तों की कसरत और हुजूम का ये आलम था कि हर पत्ते के साथ एक फ़रिश्ता नज़र आ रहा था बाद रिवायतों में है कि मागशा से मुराद सुनहरी सुनहरे परवाने थे जो नहायत ही खुश रंग जिनके देखने से दिल खिंचा चला जाए वो नज़र आ रहे थे इस मौके पर फरिश्तों ने बाकायदा आपलातुसम की ज़ियारत दीदार की ख़्वाहिश ज़ाहिर फरमाई कि बारी तला आपका हबीब हमारे महबूब आसमानों का सफ़र फरमा रहे हैं हम भी उनका दीदार करना चाहते हैं लिहाजा फरिश्तों को इजाज़त मिल गई और वो सब सिदरा पर छा गए सिदरा पर छाए हुए ये सब फरिश्ते ही थे ऊपर जो दूसरी चीज़ों से तशबी दी गई वो खूबसूरती और खुशनुमाई बतलाने के लिए गोया है यानी खूबसूरती और खुशनुमाई में वो फरिश्ते परवाने और गोया सोने की टिड्डियाँ मालूम हो रहे थे सदरतलमनतहा पर पहुँचने के बाद आपको जन्नत का मुशाह कराया गया इंदरतलमनतहा इन दन्नतलम अब आपने यहाँ जन्नत के क्या मनाज़र देखे क्या कुछ आपने जन्नत में देखा नींद जन्नत कहाँ है इन ये और इसके अलावा की मारज के सफ़र की आगे की सारी तफसील आइंदा की नशिस्त मर्ज की जाएगी अल्लाह तबारक व वाली आप वसलाम के इस मुबारक सफ़र इस सफ़र मराज के तस्करे की बरकत से हम सब कहने और सुनने वालों के लिए अपने फ़जल से जन्नतफ़रदौस को मुकदर फ़रमाएँ आमीन व आखिर दावाना अनिलदुल्ल रबिलमी